अलीबाबा दास्ताने काबुल एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मामले में अब तक कहा जा रहा था कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी। इसी के चलते तुनिशा डिप्रेशन में चली गई थी और 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अब इस मामले में खुद परिवार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। तुनिशा के परिवार की ओर से ये बयान सामने आया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी। तुनिशा और शिजान दोनों के परिवारों को दोनों के रिश्ते के बारे में पता था। शिजान तुनिशा से 8 साल बड़े भी थे। वहीं 15 दिन पहले ब्रेकअप वाली बात बिल्कुल सच है। परिवार ने बताया कि दोनों का रिश्ता तब बना जब दोनों शूट के लिए लद्दाख गए। वहां दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, तुनिशा शिजान के घर पर आया जाया करती थी और शिजान की माँ और उनकी बहन तुनिशा के लिए अलग अलग खाने बनाती थी। लेकिन तुनिशा और शिजान के बीच सब कुछ तब बिगड़ गया जब 15 दिन पहले तुनिशा को पता चला कि शिजान उन्हें चीट कर रहे हैं। जी हाँ, परिवार ने बताया कि शिजान किसी और के साथ भी रिश्ते में थे और इसी बात पर 16 दिसंबर को सेट पर तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया था। कुछ साथी तुनिशा को हॉस्पिटल लेकर गए और परिवार को वहां बुलाया गया तो तुनिशा लगातार अपनी माँ से एक ही बात कह रही थी, उसने मेरे साथ चीट किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, परिवार ने खुलासा किया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया था। तुनिशा के साथ रिश्ते में होने के बावजूद शिजान किसी और के साथ भी रिश्ते में थे और तुनिशा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।